हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 24 यूजेस ऑफ कंप्यूटर के हम क्वेश्चन आंसर एंड बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो हम इस चैप्टर के फिलिंग द ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर आर नाउ अ डेज यूज इन ऑलमोस्ट एवरी डैश। कंप्यूटर हर फील्ड में यूज होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फील्ड आएगा। स्टूडेंट प्रिपेयर डैश ऑन कंप्यूटर, स्टूडेंट्स कंप्यूटर पे क्या बनाते हैं, तो हमारा आंसर क्या है, प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है चिल्ड्रन प्ले डैश ऑन कंप्यूटर, चिल्ड्रन कंप्यूटर पर क्या खेलते हैं, तो हमारा आंसर क्या है, गेम्स। फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक्स है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डैश ऑफ पेशेंट कैन बी डन एट अ डिस्टेंस। कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मरीजों का इलाज करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट कैन बी डन एट अ डिस्टेंस। फिफ्थ, नाउ द टीवी प्रोग्राम कैन बी वॉच्ड ऑन डैश। हमें पता है आजकल हम टीवी प्रोग्राम जैसे डिज्नी हॉटस्टार है, G5 है, सोनी है, इन सभी को हम सोनी ऐप में, डिज्नी हॉटस्टार में, हम स्टार प्लस के जो चैनल है देख सकते हैं। तो हम टीवी प्रोग्राम हम इंटरनेट में भी वॉच कर सकते हैं। अब है हमारा ट्रू फॉल्स, टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग सेंटेंस। फर्स्ट है कंप्यूटर आर यूज्ड इन स्कूल ओनली, फॉल्स है। हमने पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में पढ़ा है कि जो कंप्यूटर है हर फील्ड में यूज होता है, तुम्हारा आंसर क्या है, मैं क्रॉस लिखेंगे। कंप्यूटर आर अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, बिल्कुल सही, कंप्यूटर से हमारा मनोरंजन होता है। हम सॉन्ग सुनते हैं, हम वीडियो देखते हैं, हम फोटो देखते हैं अपने कंप्यूटर में। इसके अलावा हम गेम्स भी खेलते हैं, इसके अलावा हम कंप्यूटर में बहुत सारा वर्क करते हैं। तो हमारा ये जो ट्रू फॉल्स है इसमें हम टिक लगाएंगे। वी कैन पे आवर बिल्स एट होम विद कंप्यूटर, यस बिल्कुल राइट। घर में बैठ के कंप्यूटर की हेल्प से हम अपने बिल्स भी पे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सही होगा, ठीक है, राइट होगा। अब कंप्यूटर प्रोवाइड नो हेल्प इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, जो कंप्यूटर है सेहत, हेल्थ के फील्ड में कोई भी योगदान नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल फॉल्स है। कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इवन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आजकल बहुत सारे जो ट्रीटमेंट है इजीली हो पा रहे हैं। फिफ्थ ट्रू फॉल्स है वी कैन लिसन टू द म्यूज़िक ऑन कंप्यूटर, यस कंप्यूटर में हम सॉन्ग भी सुन सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द फील्ड वेयर कंप्यूटर इज यूज्ड। आपने उन फील्ड्स के नाम बताना, उस जगहों का नाम बताना है जहाँ पे, उन क्षेत्रों के नाम बताने हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, इंटरटेनमेंट में, बैंक में, ट्रेड में, और इवन एट द होम वी आर यूजिंग कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इन सारे फील्ड्स में हम इसका क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर सेकंड है विच वर्क कैन यू डू विद कंप्यूटर एट होम। अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की हेल्प से आप कौन सा काम कर सकते हो घर में बैठे बैठे। फर्स्ट है इट इज़ यूज टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, फोन बिल। कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपना बिल पे कर सकते हैं, चाहे वो पानी का बिल है, चाहे वो बिजली का बिल है, चाहे वो फ़ोन का बिल है। सेकेंड है टू मेंटेन हाउस होल्ड अकाउंट, हमारे घर में कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, कितनी बजट है हमारा, हम कंप्यूटर की हेल्प से हम बना सकते हैं। थर्ड टू प्रिपेयर द बजट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक बजट ऑफ एक्सपेंडिचर मीन्स हमने इस महीने कितना खर्च करना है, कितना हमने ग्रोसरी में खर्च करना है, कितना हमने इलेक्ट्रिसिटी में खर्च करना है, कितना हमने बाहर ट्रैवलिंग में खर्च करना है, इन सभी का हिसाब किताब हम कंप्यूटर में बना सकते हैं। फोर्थ है इट इज़ यूज टू वॉच मूवी, हम इसका इस्तेमाल मूवी देखने के लिए भी कर सकते हैं, लिसन टू द सॉन्ग्स के लिए भी कर सकते हैं, प्लेइंग गेम, वीडियो गेम्स का भी हम इस आंसर में आप ये लिख सकते हो। अब है दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड आल्सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मैच द कॉलम, ठीक है, ए और बी, वर्क टू बी डन एंड नेम ऑफ द फील्ड।
ठीक है, आपको ए और बी को मैच करना है, ऑलरेडी मैच हुआ हुआ है। देखो डिजिटल स्कोर बोर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम गेम्स के फील्ड में यूज़ कर रहे हैं। एक्सरे का इस्तेमाल हम हेल्थ में कर रहे हैं, घर में हम एक्सरे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। गेम्स क्या है, एंटरटेनमेंट का फील्ड है। एटीएम का इस्तेमाल हम बैंकों में कर रहे हैं। टाइम टेबल का इस्तेमाल एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इवन हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट हम क्योंकि चैप्टर में एजुकेशन दिया है तो, और हमारे यहाँ पे ऑप्शन भी एजुकेशन है, तो हम एजुकेशन के सेक्टर में हम टाइम टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। विद दिस आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, आपके क्वेश्चन आंसर, आपके जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।